हमेशा हम सब मानते कि हमारे बच्चे हमारी जान होते हैं। मानते इस बात को कौन कौन मानता है कि हमारे बच्चे हमारी जान होते हैं? बिल्कुल। और हम उनकी बहुत केयर करते हैं। तो जब हम यहाँ आते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल में आते हैं, हेल्दी रूटीन में आते हैं, तो अपने साथ साथ जब हम चेंज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, अपने साथ साथ अपने हस्बैंड को या बच्चे को या किसी न किसी को स्टार्ट कराते हैं वो लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए, क्योंकि हमें फिक्र होती कि वो भी हमारी तरह हेल्दी हो जाएं। और वो नेचुरली भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक रूटीन को देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। क्योंकि घर में जब एक खाना बनता है तो क्या उनके लिए अलग अलग तो बार बार बनता नहीं है। अगर हमने हेल्दी फूड बनाया है और हम खा रहे हैं तो हम एक साथ हम वही फॉलो कर रहे हैं, हस्बैंड भी और बच्चे भी। तो बहुत ज़रूरी उनका ख्याल रखना। और कुछ चीज़ें जानेंगे बच्चों को लेकर के कि पूरी दुनिया में हर मिनट 255 का मतलब कि हर सेकेंड में 4.3 हर सेकेंड में 4.3 बच्चे का जन्म हो जाता है। और साथ ही साथ बच्चे का जब जन्म होता है, एक छोटे बच्चे का, शिशु का जब जन्म होता है, तो उसमें कोई भी बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। जब बड़े होते हैं तो हम लोग बात करते हैं ना गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज, जिसके लिए प्रोबायोटिक बहुत अच्छा है, तो उनमें कोई बैक्टीरियाज नहीं होते। और कुछ हफ्तों तक जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कुछ समय तक वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं, उन्हें कलर्स का कुछ मतलब नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता है, सिर्फ काला और सफ़ेद उनको समझ में आता है। मे बी कि वो अपने मम्मी पापा को देखते होंगे, वो भी उनको काले और सफ़ेद ही दिखते होंगे। और जब पहली बार उनको समझ में आता है कि अच्छा कोई कलर होता है, तो पता है रेड कलर समझ में आता है, मेरा भी फेवरेट है, रेड कलर पहली बार वो देख पाते कि अच्छा ये रेड कलर है, नहीं तो उन्हें कलर का कोई सेंस नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम लोग सपने देखते हैं ना, कौन कौन सपने देखता है? कोई दिन के सपने देखता है खुली आंखों से, और कोई रात के सपने देखता है। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं वो सालों तक कोई सपना नहीं देखते, उन्हें पता ही नहीं होता है, लंबे समय तक वो कोई सपना नहीं देखते। और उनके शरीर में, छोटे बच्चों के शरीर, हमारी जितनी भी हड्डियां होती हैं जैसे 206 या कितनी भी होती हैं, उनके शरीर में मोर देन 60 मतलब जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, 60 हड्डियां ज़्यादा होती हैं बच्चों की उसमें। और वो आदमी से जितना जो हमारा टेस्ट पावर होता है, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जितना टेस्ट हम लोगों को होता है, उसका 3 गुना ज़्यादा स्वाद वो चख सकते हैं। हम लोगों से ज़्यादा कैपेबल होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे, कितनी सारी चीज़ें हैं उनमें। और जो पता है ये अक्सर मतलब बहुत रेयर होता है कि कुछ लोग होते हैं ना, हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा जो लेफ्ट हैंडेड होगा, जो लेफ्ट हैंड से उसका खाना पीना लिखना भी होता है, हम लोगों ने तो स्कूल में भी देखा है, लेकिन बहुत रेयर होता है। इतने सारे बच्चों में कहीं एक दो बच्चे होते थे जो लेफ्ट हैंड से लिखते थे, और होता नहीं तो उनका सारा काम लेफ्ट हैंड से होता है, खाना भी वो लेफ्ट हैंड से खाते थे। तो ऐसा क्यों होता है? जो कि साइंटिस्ट या जो उसमें आया है रिसर्च में देखा गया कि जो जिन बच्चों का जन्म समय से पहले होता है उनमें से मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। सभी नहीं होते हैं, प्री मैच्योर जो बच्चे होते हैं सभी नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। बाएं हाथ से खाना खाना, बाएं हाथ से उनका लिखना पढ़ना, ये सारी चीज़ें आप कितना भी टोकते रहो लेकिन वो लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। तो ऐसा भी होता है। और एक चीज़, अगर कोई है यहाँ पे तो वो सोचेंगे, और नहीं है तो आपकी फैमिली में होगा तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि जो महिलाएं खर्राटे लेती हैं, जैसा कि स्नोरिंग की अभी प्रॉब्लम थी और बहुत से लोगों को होती होगी, लेकिन खुद को तो पता नहीं चलता है, दूसरा सुनता है घर पे तब बताया जाता है। तो जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती, खर्राटे लेने की प्रॉब्लम होती है, जिन महिलाओं को होता है उनके बच्चे कंपेरिजन टू अदर्स, दूसरे की तुलना में उनकी हाइट छोटी होती है। अगर स्नोरिंग की प्रॉब्लम किसी को है तो अगर उनका बच्चा जन्म लेता है तो दूसरे की तुलना में उन बच्चों की हाइट कम होती, ऐसा है रिसर्चेज में। साथ ही साथ जब बच्चा एक जन्म लेता है ना, तो उसके शरीर में सिर्फ 1 कप खून होता है, 1 कप। और सोचिए फिर बढ़ते 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 कैसे कहां से कहां हम लोग बड़े हो जाते हैं। तो ये अमेजिंग फैक्ट्स हैं। साथ ही साथ जन्म से बच्चे का वेट अलग अलग होता है ना, लेकिन जब जन्म से वो 5वें महीने में पहुंचता है तो जस्ट डबल उसका वेट हो जाता है, नीचे धीरे धीरे स्लो मतलब बढ़ता है, और 5वें महीने तक उसके जन्म से जस्ट डबल वेट उसका हो चुका होता है। ये अमेजिंग चीज़ें हैं। और जन्म के 10 मिनट बाद ही बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है, सोच में आ जाता है, उसको समझ में आने लगता है कि आवाज़ किस दिशा से आ रही है। उसको समझ कुछ नहीं होती है,
लेकिन होता नहीं कि वो कहीं ना कहीं हिलने लगता है कि अच्छा कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, ये उसको महसूस होने लगता है। और एक चीज़ हर घर में होता है, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे मे बी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को फील करेंगे कि ऐसा होता है, जो पिता होता है वो बच्चे की हाइट पे बहुत परेशान होता है। जो पिता होंगे या घर पे होंगे तो वो ध्यान देते होंगे कि बच्चे की हाइट कहाँ तक जा रही है, वो हाइट पे परेशान होता है। और जितनी माएँ होती वो उसकी डाइट पे परेशान होती, बच्चे ने क्या खाया, कैसे खाया, खाया नहीं, उसको कैसे खिलाना है, वो परेशान हो जाती हैं। उनकी फिक्र नहीं होती कि बच्चा बड़ा लंबा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, उसकी हाइट क्या जा रही है, उनका ध्यान उधर नहीं जाता। उनका ध्यान जाता है उसने खाया कि नहीं खाया, सामने है तो भी सामने नहीं है तो भी, बस एक ही बात, खाया पिया कि नहीं, एक ही सवाल आता है। कितने कितने लोगों को आता है ये सवाल, फिक्र होती ना, टिफिन तो दे दिया स्कूल में, खाया कि नहीं खाया, बड़े हो गए तो भी बाहर है पता नहीं खाया कि नहीं खाया, ये फिक्र हमेशा माँ को रहती है। अब पिता को खाने की चिंता कम होती है, उनको उसकी हाइट की होती है, हमें लगता है वो उसका फ्यूचर सोचने लगते हैं ना, तो उसका हाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है कि उसकी हाइट कैसी चल रही है, उसकी ग्रोथ कैसी है, तो इसकी तरफ ध्यान जाता है। और पता है 1980 के बाद से जो ट्विंस बेबीज होते हैं ना, बहुत सारे लोगों के जुड़वा बच्चे होते हैं एक जैसे, दोनों दोनों बेटे भी हो सकते हैं, दोनों बेटी भी हो सकते हैं, एक बेटी एक बेटे भी हो सकते हैं, ऐसे हर फैमिली में कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे को बच्चों का जन्म होता है। और 1980 के बाद से जुड़वा बच्चों के जन्म की संभावनाएं जो बढ़ गई हैं वो 76% हैं। थिंक अबाउट इट, 76% मतलब 76% संभावनाएं बढ़ गई हैं ट्विंस की, जुड़वा बच्चों की। तो ये अमेजिंग फैक्ट्स हैं बच्चों को लेकर के, तो हमें उनकी सेहत का ख्याल रखना। मुझे अच्छा लगा स्क्रीन पे बच्चे भी आ गए क्योंकि बच्चों की बात हो रही थी। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों की हेल्थ पे, क्योंकि अपने लिए तो हम लोग खूब अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो बच्चों का भी ख्याल रखना, हेल्दी न्यूट्रिशन देना है। और खाने पिलाने में हमें बच्चों को प्यार करना, हम सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना देखना है कि प्यार करने में कहीं इतना एक्सेस प्यार ना हो जाए कि उनका फ्यूचर या उनकी हेल्थ खराब हो जाए, जो कि होता है, हम लोगों से हो जाता है। पर कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद थोड़ा सा कंट्रोलिंग पावर आई है, और ध्यान रखते हैं कि बच्चों को वो चीज़ें दी जाएं जो उनके लिए बेहतर है। और यहाँ आने के बाद में कहीं ना कहीं लगता हमारे बच्चों में बदलाव आया है। किसको किसको लगता है, जरा भी बनाइए और क्लैप भी कर सकते हैं, मेरे बेटे में बहुत बड़ा बदलाव आया है, या मुझे लगता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी, खाने पीने एक्सरसाइज सब चीज़ों को लेके, और न्यूट्रिशन लेने में भी थी। तो ये हर एक को देखना कि जब हम बदलते हैं तो हमारी फैमिली में भी बदलाव आते हैं, और बच्चे भी, क्योंकि जो हम करते हैं बच्चे सीधे उसको फॉलो करने लगते हैं। कही हुई बात उतनी समझ में नहीं आती जितनी देखी हुई बात समझ में आती है। कौन कौन मानता है इस बात को, कोई स्टोरी सुनते वो एक बार भूल सकते हैं, लेकिन जब हम विजुअलाइजेशन पे देखते हैं कोई चीज़ देख करके वो हमेशा याद रहती है, तो ये फर्क पड़ता है। तो बच्चे जब हमें एक हेल्दी हैबिट में देखते हैं कि हम अपने पानी पीने का ख्याल रख रहे हैं, खाना खाने में सैलेड फ्रूट्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी डिमांड करने लगते हैं, या थोड़ा थोड़ा खाने खाते उनकी आदत बनती जाती है, सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं और हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो हमें भी ध्यान रखना है कि पहले तो कुछ भी होता था बच्चे जिद कर रहे हैं दे दिया, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि अगर देना भी है, मीठा भी देना है, किसी भी अचीवमेंट पे देना है, तो एक हेल्दी ऑप्शन में देंगे। चॉकलेट्स की जगह हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी दे सकते हैं। हेल्दी ऑप्शन अपने डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, अपने फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वही खाने का मन कर जाता है। हम लोगों का ये होता है, तो फिर तो बच्चे ही हैं, हम लोगों का होता था ना, अब सामने रखा अच्छा चलो ठीक है थोड़ा सा खा लेते हैं, इसीलिए रखना ही नहीं वो चीज़ें, रखना क्या है, जो हेल्दी ऑप्शन है उसे रखेंगे, खुद भी खाएंगे और बच्चे भी खाएंगे। तो हम जहाँ भी बैठते हैं, या अपनी डाइनिंग टेबल पे, या अपने फ्रिज में, हमेशा हेल्दी ऑप्शन रखना, अच्छी चीज़ें रखनी, फ्रूट्स रहना है, सैलेड रखना है, और अच्छी चीज़ें जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट करके रख दिया, घर की बनी हुई नमकीन रख सकते हैं, मूँगफली फ्राई करके रख सकते हैं, कुछ भी बच्चों को जो पसंद है, और घर पे जब सामने रहेगा उन्हें भूख लगेगी तो खुद से भी लेके खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें उन्हें, और फास्ट फूड जंक फूड से बचाना है, ये हम नहीं कह सकते कि टोटली वो बंद कर दें, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो चुका होगा यहाँ आने के बाद में, हमारी खुद की भी हैबिट में और हमारे बच्चों की भी लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए। किसको किसको लगता है चेंजेस आए, आया है, बिल्कुल आया है और आएगा भी, क्योंकि पता है कि उसको खाने से क्या बदलाव आने वाले इन फ्यूचर। जैसे आज हम अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं,
फ्यूचर में हमारे बच्चे भी परेशान होंगे, तो क्यों ना अभी से वो हेल्दी चीज़ें दें जिससे उनको कभी उस चीज़ का सामना ना करना पड़े जो शायद हमने फेस किया है। और ये इन ऑल साइड्स वी ऑल आर थिंकिंग अबाउट इट, हम सब सोचते हैं ना कि जिन चीज़ों को हमने फेस किया है वो अपनी फैमिली में या अपने बच्चों को हम फेस करने का मौका ना दें, वो चीज़ हमें बदल देनी है। तो साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि हम एक हेल्दी ऑप्शन दे सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे, इन जगहों पे अच्छी चीज़ें रख सकते हैं जिससे वो जो सामने पड़ेगा वो खा लेंगे। साथ ही साथ हमें हेल्दी स्नैकिंग में और क्या कर सकते हैं, मखाने हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, पीनट्स हैं, सबको फ्राई करके सामने बॉक्सेस में रख सकते हैं और घर में बनी हुई नमकीन और लड्डू दे सकते हैं। हमें बाहर के ट्रांस फैट को अवॉइड करना है, तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना, उनकी जगह हम घर में फ्राई करके देंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि हमें घर के तेल के बारे में पता है कि हम कितने दिन से उसमें से छान रहे हैं। बाहर तो एक ही तेल पे बार बार करते हैं जिससे वो ट्रांसफैट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसमें बनी हुई चीज़ें कितनी चिपचिपी होती हैं। सोचिए उस वो जब हमारे शरीर में जाता है, हमारी हार्ट हेल्थ, हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, वही धीरे धीरे हमारे मोटापे की तरफ हमको लेके जाता है। तो हमें बाहर की तली हुई चीज़ों से बेहतर कि हम घर पर फ्राई करके चीज़ों को ले सकते हैं। साथ ही साथ हफ्ते में एक दिन मनपसंद खाना खाएंगे, लेकिन कोई वैसा डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और कोशिश क्या करेंगे, जो भी हैवी ऐसी चीज़ें हमें बनानी है वो हमें लंच में करना है, रात की जगह हम उसे लंच में ले सकते हैं हेल्दी उस पर। और साथ ही साथ बच्चे को कहते हैं कि चेंज के लिए बहुत ज़रूरी होता है घूमना फिरना, क्योंकि घूमने फिरने में इंजॉय तो करते हैं साथ ही साथ हमारा माइंडसेट चेंज होता है, ये सच है। जब घूमने की तरफ निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है और वो एक हेल्दी हैबिट की तरफ जाते हैं और वो हमें बच्चों में लाना है। साथ ही साथ एक न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है, जब हम सुनते हैं तो हम अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बातचीत में शेयर करते हैं, कभी भी बैठते हैं अच्छा ठीक हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बच्चों के साथ में भी करते हैं और फैमिली में कोई भी होता है तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है, नहीं ये चीज़ मत लीजिए और ये चीज़ ले लीजिए, ये हो जाता है क्योंकि इतना सुनते रहते हैं, सीखते रहते हैं चीज़ों को। जैसा कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे फैट 30%, प्रोटीन 30%, जैसा कि कल भी सुना था, एंड 40% कार्ब्स, बच्चों की भी ज़रूरत है, बल्कि हमसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, पूरे टाइम एक्टिव बने रहते हैं। तो उनके भी पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको एक हेल्दी ऑप्शन दिया जाए। साथ ही साथ उनकी ग्रोथ के लिए, कल भी बताया था कि प्रोटीन की कमी होने से बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है, उनकी हाइट पर फर्क पड़ता है, तो उनको प्रॉपर पूरा न्यूट्रिशन मिले उनके पोषण के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके माइंड के, ब्रेन के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर गाइडेंस में उनको चीज़ें दी जाएं, जिसमें से अगर प्रोटीन की बात करें तो शरीर में उनकी वृद्धि के लिए कहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन प्रॉपर मिले, जिससे उनके सेल्स में और मांसपेशियों में बहुत बड़ा चेंज आता है, उसके निर्माण के लिए, उसके बनने के लिए ही ज़रूरी है, सेल्स का निर्माण हो, उनका विकास हो, उसके लिए ज़रूरी कि हम प्रोटीन प्रॉपर दें। और पर डे, जैसा कि मैंने कल भी बात की थी कि पर डे उन्हें 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है अकॉर्डिंग टू वेट, जितना भी उनका बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से 1.5 से 2 ग्राम पर केजी का वेट की उनके प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो कि बच्चों को हम लोग वेट लॉस जर्नी में तो थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत ज़रूरी है रेगुलर दूध देना, मे बी कि वो एक टाइम लेते हो या दो टाइम लेते हैं, लेकिन दूध जाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दही बहुत अच्छे से एक प्रोबायोटिक मिल जाता है बच्चों को, रेगुलर अगर उनके खाने में वो दही लेते हैं तो बिल्कुल उन्हें दे सकते हैं। सोयाबीन, हफ्ते में एक दिन सोयाबीन की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं, उनको जिस रूप में खाना हो, फ्राइड राइस के रूप में या कैसे भी, वो मिलता है तो बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें एनर्जी देता है, क्योंकि हम जो खाते हैं उसी खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो बहुत ज़रूरी है देना। साथ ही साथ उन्हें मतलब सब्जियां तो कोई भी सब्जी खानी चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। साथ ही साथ केला बहुत अच्छा होता है बच्चों की हेल्थ के लिए, ब्राउन राइस दे सकते हैं और दलिया, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को देना है, इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि फैट खराब होता है, बस हमें क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है। भले ही हम वेट लॉस जर्नी में, लेकिन हम भी दिन में लंच में अपने एक छोटा स्पून घी ले सकते हैं, फिर वो आप चाहे आप अपने दाल में डाल सकते हैं या फिर रोटी में, जैसे आपको पसंद करते हैं उसको ले सकते हैं, या फिर दाल को छौंकने में भी आप यूज़ कर सकते हो।
क्योंकि वो भी जाना हमारे शरीर में जरूरी है। सेम बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम फैट लेते हैं तो उसमें जो फैटी एसिड होता है वो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे शरीर में स्वेलिंग को कंट्रोल करता है, सूजन को कंट्रोल करता है, और रक्त को के थक्के जमने में हेल्प करता है, मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, ब्रेन को के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए फैट का लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम टोटली उसे रोक नहीं सकते, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि हमें किस मात्रा में लेना है। साथ ही साथ साफ सफाई, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि जैसे हम करते हैं हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं देखते हैं और उसे फॉलो करते हैं। हाइजीनिक आज के समय में सभी बहुत अच्छे से करने लगे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इतना सब लोगों ने फेस किया है कि अभी कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान रखते कि नहीं, हाँ हमें साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। कभी भी बिफोर स्नीजिंग कफिंग एंड योनिंग कहा जाता है ना, खांसते समय, छींकते समय और जम्हाई लेते समय हमेशा हमारे सामने या तो हमारा हैंड होना चाहिए या फिर हैंकी होनी चाहिए। ये चीज़ें स्कूल में भी सिखाई जाती है, ये हमारे मैनर्स में आते हैं कि हमें हमेशा देखना, यानी किसी से दो लोग बात कर रहे हैं आमने सामने और सामने ही खांसना शुरू कर दिया, सामने ही छींक दिया, सामने ही किसी की जम्हाई ले रहे हैं, ये चीज़ें मैनर के अगेंस्ट आती है। तो हमें इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है, अपने बच्चों को भी बताना है कि ऐसा नहीं किया जाता है, और हमेशा ताजे फल सब्जी, जैसा कि हम लोग अभी रेगुलर हैबिट में आ गए, वो बच्चों को भी खिलाना है, और जूस की जगह कच्चे फल खाना ज़्यादा अच्छा होता है, हमें अवॉइड करना, और स्पेशली पैक्ड जूस जो बंद आते हैं डिब्बे में बाहर से, उनकी जगह पे घर पे फ्रेश जूस बनाएंगे, या फिर हमें कोशिश करनी कि सीधे फल खाइए जिसमें अच्छी क्वांटिटी में फाइबर भी मिल जाता है, खुद भी खाना है, बच्चों को भी खिलाना है, इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ बाहर की चीज़ों को कम करना है, मना नहीं कर सकते लेकिन कम करना है, चीनी, नमक और मैदा, इन चीज़ों को कम से कम अपने खाने में शामिल करना है, चीनी, नमक, मैदा, इनको कम से कम लेना है। साथ ही साथ इन सब चीज़ों को करते करते जो एक बेस्ट ऑप्शन है, जैसा कि हम सब खुद ले रहे हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन, वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन ले रहे हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा, मॉर्निंग शेक, जिसमें जिस बॉक्स में जो चम्मच पड़ा है उसी चम्मच से लेंगे 3 स्पून फॉर्मूला 1, 2 स्पून शेकमेट एंड 1 स्पून प्रोटीन। ये हर एक को ख्याल रखना, हर बॉक्स में चम्मच है, उसी चम्मच को यूज़ करना है, तभी आपको उतना न्यूट्रिशन मिलेगा जिसमें जितना उसमें लिखा हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है। सेम हमारे बच्चों के लिए डायनो शेक है, क्लैप करेंगे, बच्चों के भी हेल्थ को इग्नोर नहीं किया गया है, डायनो शेक उनके लिए बनाया गया है। और सबसे अमेजिंग कि जैसे हमारे शेक में 8 फ्लेवर्स आते हैं, वैसे बच्चों को भी कम से कम 2 फ्लेवर दिए गए, एक वनीला और एक स्ट्रॉबेरी, सॉरी चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, ये 2 फ्लेवर बच्चों के डायनो शेक के हैं, उसे भी वो ले सकते हैं, जो उनकी हेल्दी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो लोग एक बार मिल्क ले रहे हैं वो एक बार ले लें, और जो 2 बार लेते हैं एक दिन में सिर्फ 2 चम्मच लेना है, आप एक साथ, आप एक अगर एक ही बार बच्चा दूध पी रहा है तो एक बार दे सकते हैं, अगर 2 बार ले रहे हैं तो एक एक चम्मच 2 बार दोनों टाइम आप अपने बच्चे को डायनो शेक दे सकते हैं। दोनों फ्लेवर बहुत अमेजिंग हैं, जो बच्चे को पसंद है वो दे सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सारे एसेंशियल विटामिंस, मिनरल्स सब कुछ मिल जाता है, जिसकी फिक्र हम करते हैं कि अगर बच्चे को बचपन से दे रहे हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। क्योंकि हर माँ बाप, हर पेरेंट्स, हर घर का इंसान यही चाहता है कि मेरे घर के बच्चे हेल्दी हों और उनको जुड़ी हुई कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उनको जरा से भी फीवर भी आ जाता तो पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। कौन कौन मानता है इस बात को? फिर हो सकता है किचन में खाना भी ना बने, बच्चे के पास ही बैठे रह जाते हैं, ऐसा होता है। तो हमें ध्यान रखना कि, और इससे उनकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है, और हर स्कूप में 21 ग्राम का न्यूट्रिशन उन्हें मिल जाता है एक स्कूप में। और अगर वो 2 चम्मच ले रहे हैं, और स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग ले रहे हैं, या एक साथ ले रहे हैं, तो भी उसका जस्ट डबल उन्हें मिल जाता है, जिसमें एनर्जी पावर उनको मिल जाती है, प्रोटीन मिल जाता है, विटामिंस, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, 30 विटामिंस एंड 6 इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उस डायनो शेक से उस बच्चे को मिल जाती, जो उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 79.1 मींस कि नियर अबाउट 80 कैलोरी का होता है, और उनके लिए जो बहुत ज़रूरी होता है 6 ग्राम का प्रोटीन इन 1 स्कूप, 1 चम्मच में 6 ग्राम का प्रोटीन उन्हें मिल जाता है, 13 ग्राम का कार्ब्स मिल जाता है जो कि रेगुलर नीड होती है, साथ ही साथ 11 ग्राम का शुगर भी मिल जाता है, 0.29 ग्राम का फैट मिलता है, साथ ही साथ
चॉकलेट जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा गुड एंड बैड दोनों होते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो 2.4 मिलीग्राम का मिल जाता है, जो कि एक कंबाइंड एक जगह पे एक चम्मच में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती। और विटामिन्स की अगर बात करते हैं तो विटामिन ACDE प्लस नियासिन, ये सारी चीज़ें उस डायनो शेक में मिल जाती है, जिसमें विटामिन B5, B6, B1 यानी बी कॉम्प्लेक्स का पूरा कॉम्बिनेशन उस एक स्कूप में मिल जाता है बच्चों के लिए। साथ ही साथ फोलिक एसिड भी होता है एक अच्छी क्वांटिटी में और अमाउंट में मिल जाता है पर सर्विंग, एंड 30 माइक्रोग्राम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ बायोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। और आज के समय में कहीं ना कहीं हम सब परेशान होते हैं कि कैसे उनको क्या, क्योंकि कभी इस चीज़ को मेज़र ही नहीं किया था, सिंपल रूटीन में चलते रहते तो कभी मेज़र नहीं किया कि कितना क्या किस मात्रा में देना है। लेकिन आज ये चीज़ समझ में आने लगी कि नहीं उन्हें कैसे देना है और कोशिश करते हो। अगर मिनरल्स की बात करें तो 155 mg का कैल्शियम भी इससे मिलता है, 155 mg इन वन स्कूप कैल्शियम भी मिल जाता है, आयरन 4.50 साथ ही साथ आयोडीन 42 mg का मिल जाता है, और हमारा साथ ही साथ क्रोमियम भी होता है जो कि 9 माइक्रोग्राम का मिल जाता है, पोटेशियम भी 280 मिलीग्राम का मिल जाता है, और सोया प्रोटीन आइसोलेट 0.21 ग्राम का मिल जाता है, और कैल्शियम कैसिनेट जो कि 5.46 मिलीग्राम का मिल जाता है। इतने सारी चीज़ें एक स्कूप में मिलता है जो कि हमारे बच्चों के एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये स्पेशली बच्चों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक जगह में मिल जाते हैं जो ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, और 2 साल से बड़े और अंडर 18 के बच्चों को हम इसे दे सकते हैं, 2 साल से 18 साल के बच्चों को दे सकते हैं, और इसे आप नॉर्मल उस पर भी दे सकते हैं, हल्का सा गुनगुना जब ठंड का समय, अदरवाइज आप नॉर्मल मिल्क में उसे दे सकते हैं एक एक चम्मच 2 बार में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा एक मतलब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है हमारे डायनो शेक में। अमेजिंग की 2 फ्लेवर मिलते हैं, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, हर बच्चे की अपनी पसंद होती, बिल्कुल आप उनके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए उन्हें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि जन्म दिया है तो पालना है और उनको उनके स्टेज तक पहुँचाना है। कौन कौन मानता है इस बात को, स्क्रीन पर जरा वी भी बनाएंगे और क्लैप भी करेंगे, उन्हें अनाथ मत करिए। इन 2 वर्ड्स, हाँ, कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, जिम्मेदारी ली है पूरी करिए, किसी बात को दिल से मत लगाइए, बस ये चाहते हैं बेहतर, बस जिंदगी में कुछ अच्छा करना है ऐसा मानते हैं। अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, और जो इन्हें जहाँ यहाँ लेके जिन बच्चों को आए उनका भी ख्याल रखिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेकर के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी हमारी जिम्मेदारी बन जाती, हम सब मानते हैं। और बस आप सब अपना ख्याल रखिए, पूरे दिन के रूटीन को शेयर करिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है। लाइफस्टाइल डे आ गया है और आज के आज लेट नहीं करेंगे, 10 बजे तक अपनी पिक्चर्स बिफोर एंड आफ्टर दोनों पिक्चर्स आप भेज देंगे अपने कोचेस को, और 10 बजे तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसे आगे भी उसके बाद वर्क होता है। टाइमली आप भेज देंगे तो मेरा काम आसान होगा, मैं अगले स्टेप पे फर्दर आगे प्रोसीड करूँगी, वो मेरे लिए आसान होगा। और साथ ही साथ आपका मैराथन स्टार्ट हो चुका है।